हेलो फ्रेंड, मैं दिव्या जैन, आपका स्वागत है मेरे चैनल वेज टू वेज में। आज हम बनाएंगे मेदू वड़े बहुत ही आसान तरीके से। अब ये रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मेदू वड़ा बनाने के लिए चाहिए 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, 4 हरी मिर्ची फाइनली चॉप की हुई, 6-7 करी पत्ते फाइनली चॉप किए हुए, आधा प्याज फाइनली चॉप किया हुआ और 1 टीस्पून नमक। मैंने 2 कप उड़द की दाल को पानी में गला के 5-6 घंटे के लिए रख दिया था। अब इसमें से पूरा पानी निकाल दें। देखिए, सारा पानी निकाल दिया है। अब उड़द की दाल को मिक्सी जार में डाल के एक स्मूथ और थिक पेस्ट बनाना है। अब उड़द की दाल को पीस लेंगे। देखिए, हमें ऐसा पेस्ट चाहिए। मैंने ये पेस्ट बनाने के लिए 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अगर जरूरत हो तो ही इस्तेमाल करें, नहीं तो नहीं करें। अब ये पेस्ट हम एक थाली में निकाल लेंगे। अब हाथ को अच्छे से धो के 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से फेंटेंगे। अभी एकदम परफेक्ट है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब एक कटोरी में पानी लेंगे, उसमें 1 ड्रॉप बैटर का डालेंगे और चेक करेंगे कि बैटर रेडी है कि नहीं। अगर ये ऊपर आ गया मतलब ये एकदम रेडी है। देखिए, ये ऊपर आ गया है मतलब ये एकदम परफेक्ट है। अगर आपका बैटर ऊपर नहीं आए और नीचे ही बैटर रहे तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और फेंट लीजिए और फिर चेक कीजिए। अब इसमें सब्जियां डाल दें, प्याज, करी पत्ते, हरी मिर्ची, अदरक और नमक और सबको अच्छे से मिक्स कर दें। मैंने बैटर को ये बाउल में खाली कर दिया है। मेदू वड़ा बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करेंगे। अब दोनों हाथ में ऐसे पानी लगा लेंगे, हाथ में थोड़ा सा बैटर लेंगे। अब इस तरीके से उसमें होल कर देंगे। देखिए, और इसे तेल में डाल दें। सारे मेदू वड़े को हमें ऐसे ही शेप देना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। देखिए, ये थोड़े थोड़े गोल्डन हो गए हैं। अब इसे टर्न कर लेंगे। मेदू वड़े को गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। देखिए, इनका कलर कितना मस्त आया है। ये देखिए, अंदर से भी कितने अच्छे बने, पूरे अच्छे से पक चुके हैं। ये देखो, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको चटनी और सांभर की रेसिपी चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।